हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स एंड टैक पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने स्मार्टफोन से अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करना सीखेंगे। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से नए यूट्यूबर हैं जिन्हें अपने चैनल को या YouTube चैनल को वेरीफाई करना नहीं आता, जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते, तब तक ऐसे बहुत से YouTube के ऑप्शन हैं जो कि आपके चैनल पर इनेबल नहीं होते। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल को वेरीफाई करना सीखेंगे, वो भी अपने मोबाइल पर। इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। हमने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, उसके बाद दोस्तों हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर YouTube की वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये दोस्तों हमारे ब्राउज़र पर YouTube की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ध्यान रहे दोस्तों कि हमें अपने Google Chrome ब्राउज़र पर YouTube की वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड पर ओपन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर 3 डॉट है, उस 3 डॉट पर जाकर के हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखिए, साइट पर डेस्कटॉप का ऑप्शन है, हम इस पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पर डेस्कटॉप मोड पर YouTube की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों लोड हो रहा है, ये लोड हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही ये ओपन होगा, आपका प्रोफाइल पिक्चर ऊपर में राइट टॉप में दिखेगा आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, वैसे ही आपका प्रोफाइल पिक्चर आपको नज़र आएगा। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट को YouTube की वेबसाइट को ओपन करेंगे, तब आपका साइन इन होना, अपने ईमेल आईडी से साइन इन होना ज़रूरी है, तभी आप अपने चैनल को वेरीफाई कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके चैनल का भी लोगो होगा, आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम आप जाके सेटिंग पर क्लिक करते हैं। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको चैनल स्टेटस एंड फीचर का ऑप्शन नज़र आएगा। तो ज़ूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं चैनल स्टेटस एंड फीचर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, उस पर जाकर के दोस्तों हमें क्लिक करना है। ये हम उस पर जाकर के क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके चैनल का लोगो, आपके चैनल का नाम और वेरीफाई का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लेफ़्ट टॉप पर यहाँ मेरे चैनल का नाम दिखाई दे रहा है और वेरीफाइड लिखा है। उसी प्रकार आपके चैनल का नाम भी वहाँ दिखाई देगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चूँकि दोस्तों हमारा चैनल वेरीफाई हो चुका है, इसलिए यहाँ वेरीफाइड लिखा है। अगर जब दोस्तों आपका चैनल वेरीफाई नहीं हुए रहेगा, तो यहाँ पर एक ब्लू कलर के बैकग्राउंड में वेरीफाई का ऑप्शन रहेगा, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ वेरीफाई लिखा है। चूँकि दोस्तों हमारा चैनल वेरीफाई हो चुका है, इसलिए यहाँ वेरीफाई लिखा है। अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं होगा, तो आपको एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिखेगा जिसमें वेरीफाई लिखा रहेगा, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, और आपको YouTube द्वारा जो भी आपको फंक्शन या ऑप्शन मिलते हैं, सब इनेबल हो जाएंगे, जिससे आप अपने YouTube की वेबसाइट पर थंबनेल भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आप नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।